खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। बड़ी खबर है अजमेर आरपीएससी से, बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताया कि वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 ग्रुप ए तथा बी की सामान्य ज्ञान परीक्षा निरस्त कर दी गई है। 30 जुलाई को पुनः किया जाएगा इन परीक्षाओं का आयोजन। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने यह जानकारी दी है। एसओजी से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद ये निर्णय, ये फैसला लिया गया है और ये बड़ी जानकारी अजमेर से। दरअसल ग्रुप ए और बी की सामान्य ज्ञान परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब जो परीक्षा निरस्त की गई है वो जो परीक्षा है वो दोबारा 30 जुलाई को कराई जाएगी। संयुक्त सचिव की तरफ से जानकारी दी गई है और ये फैसला एसओजी से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद लिया गया है। तो देखिए बड़ी खबर है अजमेर आरपीएससी से, ये बड़ी खबर। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 ग्रुप ए और बी की सामान्य ज्ञान परीक्षा निरस्त कर दी गई। शुभम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। शुभम, क्योंकि एसओजी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उस पर विचार विमर्श किया गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि ग्रुप ए और बी की सामान्य ज्ञान परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, पूरी जानकारी क्या है शुभम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 है ये वही परीक्षा है जो पेपर लीक मामले के अंदर ग्रुप सी का जो जीके का पेपर था वो लीक हुआ था और उदयपुर के अंदर एक बस के अंदर कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा देते हुए पाए गए थे। उसके बाद जो इसके अंदर आरपीएससी के सदस्य थे बाबूलाल कटारा, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। यही वही परीक्षा है उसके अंदर अब एसओजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई आरपीएससी को, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का भी कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ होगा, जिस कारण से अब इस परीक्षा के ग्रुप ए और ग्रुप बी की सामान्य ज्ञान की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया और उसका नया शेड्यूल जारी किया गया जो 30 जुलाई को इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। करीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, लेकिन अब उनके लिए कहीं ना कहीं ये परीक्षा मुखबर से बनती नजर आ रही है, क्योंकि पहले उन्होंने परीक्षा दी थी जिसके बाद अब उनको एक बार फिर ये परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि बाबूलाल कटारा में जो पेपर लीक मामले के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने ग्रुप सी का पेपर लीक किया था, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप डी का भी अब पेपर वापस होगा, इसको आरपीएससी ने निरस्त कर दिया है। यह पूरी जानकारी जो संयुक्त सचिव है आरपीएससी के आशुतोष गुप्ता, उन्होंने ये प्रेस नोट के जरिए पूरी जानकारी दी और उन्होंने हवाला भी दिया है कि जो 227/2022 का जो एफओजी के तहत मामला जो था उसके तहत जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर विचार विमर्श करने के बाद 21 दिसंबर 2022 को जो सामान्य ज्ञान ग्रुप ए की परीक्षा हुई थी वो और 22 दिसंबर 2022 को सामान्य ज्ञान ग्रुप बी की जो परीक्षा हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया है और जो 30 जुलाई 2023 को ये परीक्षा वापस होगी उनका जो यथासमय कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका एक बार फिर सवालों के घेरे में आई है और ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर निरस्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सवालों के घेरे में ये परीक्षा थी और इसलिए इसे निरस्त भी कर दिया गया। शुभम, लेकिन ये भी जानना आपसे ही चाहेंगे कि क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या दोबारा से अभ्यर्थियों को अप्लाई करना पड़ेगा इन परीक्षाओं के लिए या फिर जिन्होंने ये परीक्षा दी थी वो परीक्षा देने वाले हैं, क्या प्रक्रिया आगे रहने वाली है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो परीक्षा है पहले जो आरपीएससी के द्वारा जो ये परीक्षा है इसको निरस्त करने की जानकारी साझा की गई है और निरस्त करने के बाद अब हो सकता है कि सोमवार को इसके ऊपर कोई नए आदेश भी जारी किए जाएं कि अभ्यर्थियों को ये वापस पढ़ना पड़े, मतलब फॉर्म भरने पड़ेंगे या नहीं। जहां तक आरपीएससी की बात करें तो जहां तक जो बच्चों ने फॉर्म दिए थे वो आरपीएससी के पास है तो उसी को लेकर के जो आरपीएससी है वो वापस से उनके परमिशन लेटर अलॉट करेगी और उसके बाद परीक्षाएं जो है छात्रों के लिए देने पड़ेगी और जो परमिशन है परमिशन लेटर जो होंगे प्रवेश पत्र जो होंगे वो समय जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन 30 जुलाई का समय दिया है, करीब महीना भर है जिसके अंदर परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जाएंगी आरपीएससी के द्वारा। लेकिन आरपीएससी ने जो परीक्षा रद्द की है कहीं ना कहीं अभी परीक्षा सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है, क्योंकि बाबूलाल कटारा अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है और उसे लगातार जो पूछताछ है वो की गई थी, जिसके बाद हो सकता है कि अब इन दोनों परीक्षाओं के अंदर भी पेपर लीक की घटना जो है वो सामने आई है, जिसके बाद एसओजी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद आरपीएससी ने तुरंत फैसला लेते हुए इन दोनों परीक्षाओं को निरस्त करने का फिर निर्णय लिया। शुभम, रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चल पाया, क्या कुछ एसओजी की तरफ से उसमें बताया गया होगा, क्योंकि विचार विमर्श तो उस पर ही हुआ है उसके बाद ये फैसला हुआ है? जी बिल्कुल, देखो ये मैं बताऊं, एसओजी के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है वो आरपीएससी को भेजी गई थी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो बाबूलाल कटारा है पूछताछ हुई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि खाली ग्रुप बी नहीं ग्रुप ए और ग्रुप बी का भी पेपर उन्होंने कहीं ना कहीं लीक किया है या कहीं ना कहीं वो पेपर आउट हुआ था, तो उसी के अनुरूप जो है रिपोर्ट भेजी गई थी और रिपोर्ट के आधार पर जो मुकदमा संख्या है 227/2022 जो एसओजी के तहत जांच की जा रही थी उसके अंदर विचार विमर्श किया गया है आयोग के उच्च अधिकारियों की तरफ से, जिसके बाद अब इसको निर्णय को जो है सुनाया गया है और दोनों परीक्षा जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी की इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के उदयपुर दौरे में दरअसल बदलाव हुआ है। भाजपा लोकसभा स्तरीय महा